टीकमगढ़ लोकसभा से डॉक्टर वीरेंद्र कुमार ने अपना प्रत्याशी के रूप में बड़ी सादगी के साथ नामांकन पर्चा भरा। भाजपा मीडिया प्रभारी स्वप्निल तिवारी व प्रफुल्ल द्विवेदी ने बताया, आज डॉक्टर वीरेंद्र कुमार ने सर्वप्रथम भगवान गणेश का आशीर्वाद लेकर भाजपा प्रत्याशी के रूप में कलेक्ट्रेट पहुंचकर अपना नामांकन दाखिल किया। साथ में भाजपा प्रदेश महामंत्री व जतारा विधायक हरिशंकर खटीक, भाजपा जिलाध्यक्ष अमित नोनावा, अखिलेश अयाची उपस्थित रहे। गौरतलब है कि डॉक्टर वीरेंद्र कुमार देश के प्रोटेम स्पीकर, केंद्रीय मंत्री के रूप में व 7 बार के सांसद के रूप में हैं। भाजपा लोकसभा प्रत्याशी डॉक्टर वीरेंद्र कुमार ने कहा कि भाजपा सरकार मोदी सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ लोगों को मिला है। नामांकन दाखिल किया गया है, आपके ऐसे क्या मुद्दे रहेंगे और जिसके बीच आप जनता के बीच लेकर जाएंगे? मुद्दे तो पूरे देश में एक ही चल रहे हैं और पूरा देश इस समय नमो नमो माने नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश में जिस तरह से जनता के मन में उनके प्रति विश्वास का भाव है। मैं जिन जिन स्थानों पर जा रहा हूँ जनता का अपार स्नेह, वो कहते हैं मोदी जी तक तो नहीं पहुंच पाएंगे, लेकिन मोदी जी को फिर से लाने के लिए तमिलनाडु और जम्मू कश्मीर जैसे राज्यों की जनता भी जो है वो भी माननीय नरेंद्र मोदी जी को फिर से उस पद पर देखना चाहती है। और इस बार के लोकसभा के चुनाव परिणाम बहुत ही अप्रत्याशित आने वाले हैं, हमारे पार्टी के नेताओं के अनुमान से भी कहीं ज़्यादा जनता का जन समर्थन, अपार स्नेह प्यार उनका जो मिल रहा है वो इस बात को बता रहा है कि मोदी जी जो कहते हैं वो तो करते ही हैं, वो भी करते हैं जो वो नहीं कहते हैं, और उनका किसी बात को कहना ही उनकी गारंटी होती है। इसी को लेकर के 10 साल के पहले भारत क्या था और आज 10 साल के बाद भारत में व्यापक बदलाव आया। अपने टीकमगढ़ में भी 10 साल के पहले का टीकमगढ़ और 10 साल के बाद का टीकमगढ़ बहुत सारा बदलाव आया है। विकास एक सतत प्रक्रिया है, लेकिन उस विकास के लिए पूर्व की सरकारों के द्वारा कभी गरीब के बारे में सोचा नहीं गया। 10 सालों में गांव, गरीब, मजदूर, किसान, महिलाओं के सम्मान के लिए जिस तरह से तत्परता से न केवल योजनाएं बनाई गई बल्कि उनका क्रियान्वयन भी किया गया, इसके कारण से समाज के सभी वर्गों का अपार स्नेह भारतीय जनता पार्टी के साथ में और हमारे पंतप्रधान आदरणीय नरेंद्र मोदी के साथ में मिल रहा है। मध्य प्रदेश में 29 की 29 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतने के लिए जा रही है। और अब देश की अगर बात करें तो देश में तो जनता कहती है, हम लोग जब मतलब टीकमगढ़ क्षेत्र में जाते हैं तो गांव में लोग कहते हैं, हम कहते हैं हम आपका स्नेह आशीर्वाद मांगने के लिए आए, वो कहते हैं आपकी बात 400। टीकमगढ़ से मनोज सिंह की रिपोर्ट।